हैं, मध्य प्रदेश में कोरोना अब काबू में होता हुआ नजर आ रहा है। राज्य में अब संक्रमण की दर 3.3% के करीब है। वहीं बात करें रिकवरी रेट की तो राज्य में रिकवरी रेट 92% तक पहुंच गया है। वहीं राज्य में लगातार टेस्टिंग जारी है। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 4,222 मरीज सामने आए हैं। प्रदेश में पिछले 10 दिन में 88,000 से ज्यादा मरीज स्वस्थ हुए हैं। अस्पतालों में ऑक्सीजन और आईसीयू में बेड खाली होने के कारण ऑक्सीजन की खपत भी लगातार कम होती जा रही है। प्रदेश के अस्पतालों में 23 मई को 401 टन ऑक्सीजन की सप्लाई की गई थी, इनमें से 379 टन की खपत हुई, जबकि 10 दिन पहले ऑक्सीजन की खपत 513 टन थी। बता दें कि प्रदेश में कुल 320 कोविड केयर सेंटर चल रहे हैं। कहा जा सकता है कि राज्य में कोरोना का संक्रमण अब धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार ने कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए पहले से ही इंतजाम किए हैं? क्या ब्लैक फंगस की चपेट में आने वाले मरीजों के इलाज के लिए सरकार ने किसी तरह के कोई इंतजाम किए हैं? ऐसे कई सारे सवालों के जवाब हम जानेंगे मध्य प्रदेश के पीडब्ल्यूडी राज्य मंत्री सुरेश धाकड़ जी से। तो रुक कर लेते हैं सुरेश धाकड़ जी का। सुरेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है जनतंत्र टीवी में। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे क्या कुछ स्थिति इस वक्त बनी हुई है, जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा था कि कोरोना ने काफी ज्यादा कहर बरपाया था पूरे देश भर में, मध्य प्रदेश की अगर हम बात करें तो इस वक्त की क्या स्थिति है? सबसे पहले तो मैं इस मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ जी, और इस हमारे नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री ज्योतिरादित्य महाराज को, इन्होंने हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी बीडी शर्मा जी ने इतनी मेहनत हमारे मध्य प्रदेश में की है कि आज हम पूरी तरह सुरक्षित हैं, हम कंट्रोल में हैं। मुझे दो जिलों का प्रभारी बनाया था, नवाड़ी का और टीकमगढ़ का जी। आज वहां की स्थिति देखो, 2% 0% नवाड़ी की है और 1% 27% नवाड़ी की है। हम पूर्णतः कंट्रोल में हैं और अगले हफ्ते तक हम 0 पे आ जाएंगे, अगले हफ्ते तक हम 0 पे आ जाएंगे। और बहुत तेजी से मध्य प्रदेश में सुधार हुआ है और पूर्ण विश्वास है इस लोकप्रिय मुख्यमंत्री के मार्गदर्शन में हम मध्य प्रदेश और देश से इस कोरोना को बहुत ही जल्दी भगाएंगे जी। सुरेश जी, सबसे ज्यादा क्रेडिट आप किसको देना चाहेंगे? जैसे कि तमाम तरीके की व्यवस्थाएं यहां पर की गई थी, स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर हम बात करें तो बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं का जो वादा किया गया था वो देने की कोशिश यहां पर सरकार की तरफ से की गई, लॉकडाउन यहां पर लगाया गया था ताकि किसी भी तरह के जो संक्रमण है उस पर उसकी जो रफ्तार थी उसे धीमा किया जा सके, किस चीज को सबसे ज्यादा क्रेडिट देंगे आप? बात कही, इसका पूरा श्रेय और क्रेडिट जाता है हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी को, हमारे प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा जी को और हमारे नेता सरमत महाराज साहब को जाता है, और फिर पूरे भाजपा को, पूरे परिवार को, हम संगठन तक और ग्रामीण में एक एक बूथ बोलिंग तक भाजपा के एक एक कार्यकर्ता ने मेहनत की है और सारे कार्यकर्ताओं की मेहनत का ये रिजल्ट है कि आज हम मध्य प्रदेश में 0 पे आने की स्थिति में आ पाए। भाजपा के एक एक कार्यकर्ता ने और रात और दिन मेहनत की है, हम इस समय मध्य प्रदेश को सुरक्षित कर पाए जी। सुरेश जी, वहीं अगर बात की जाए इस वक्त की व्यवस्थाओं की तो अस्पतालों में किस तरीके की व्यवस्थाएं देखने को मिल रही है? पर्याप्त संख्या में बेड वहां पर उपलब्ध हैं? ऑक्सीजन की किसी तरह की कोई कमी तो वहां पर उजागर नहीं हो रही? और जिस तरीके से लगातार देखने को मिल रहा है कि अब संक्रमण पर काबू पाया जा रहा है, उसके अलावा भी कुछ और बीमारियां निकलकर सामने आई थी, चाहे वो ब्लैक फंगस हो, व्हाइट फंगस हो या येलो फंगस की हम बात करें कि पूरे देश भर में देखने को मिल रहा है कि उसके भी मरीज सामने आ रहे हैं, उनको लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई है? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूं जी, कई तरह की बीमारियां मध्य प्रदेश में आ रही हैं, लेकिन इस समय हम उस स्थिति में है, अस्पतालों पहले हमको बेड नहीं मिल पा रहे थे, ऑक्सीजन की दिक्कत आ रही थी जी। हमारे इस मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने वो सारी व्यवस्था की, आए हॉस्पिटल जाइए तो पलंग खाली रहेंगे, इंजेक्शनों की हमारे पास कमी नहीं है जी, वैक्सीन की हमारे पास कमी नहीं है, हम पूर्ण तरह से हमारा मध्य प्रदेश सुरक्षित है और जो भी बीमारी नहीं हमारे क्षेत्र में आ रही है तत्काल उसका हम इंतजाम कर रहे हैं, इलाज चालू कर रहे हैं, वो हमारे पास पर्याप्त जब दवाई की व्यवस्था है, बेडों की व्यवस्था है, डॉक्टरों की व्यवस्था है और भाजपा का एक एक कार्यकर्ता कमर कस के तैयार है, हम गांव और गली तक जा रहे हैं और पूर्ण विश्वास है कि एक एक गली और एक एक घर को हम देख रहे हैं जी। जैसे ही हमको पता लगता है कि इस घर में इस बंदे को
कोरोना आया है तो हमने तत्काल उनको घर से अलग कर रहे हैं, उनको रहने की, खाने की, भोजन की, कपड़े की सारी व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है और बहुत जल्दी हम इस पर कंट्रोल करेंगे। घबराने की जरूरत नहीं है। जब हम ये मध्य प्रदेश ने वो काम करके दिखाया कि जो मिसाल बना है और कई देशों में जो काम कई प्रदेश नहीं कर पाए जो मध्य प्रदेश ने करके दिखाया है जी। अभी अभी आज ही कैबिनेट में इतना अच्छा निर्णय हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने लिया है कि जिस घरों में जो कमी हुई है, जिस घर का दिया बुझा है जी, उस घर के एक व्यक्ति को तत्काल हम नौकरी दे रहे हैं और एक महीने में हम सारे लोगों को नौकरी देंगे, रोजगार देंगे, पेंशन देंगे, सारी व्यवस्था हम सरकार करने को जा रही है। और इस लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने आप देखिए किसान के हित में वो निर्णय लिए हैं। अभी जब खाद की रेट 1900 रुपए हुई तो किसानों में हाहाकार मच गया जी। हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री ने तत्काल उस पर एक्शन लिया जी। और किसान को खाद की रेट कोई पुरानी रेट 1200 रुपए में किसान को खाद मिलेगा। आज 3 बजे हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री हर खाते में पैसा डाल रहे हैं, मजदूरों के खाते में पैसा डाल रहे हैं। तो ऐसा मुख्यमंत्री मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा। किसानों की चिंता, व्यापारी की चिंता, हर कर्मचारी की चिंता, मजदूर की चिंता, हर व्यक्ति की चिंता हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह को हमेशा सताती है। और ऐसा मुख्यमंत्री मैंने अपनी लाइफ में नहीं देखा कि 2223 घंटे काम करने वाला इस मध्य प्रदेश का पहला मुख्यमंत्री आदरणीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी है। हमारे नेता लोकप्रिय ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज दिल्ली में बैठ के एक एक कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं, फोन पर बात कर रहे हैं, ऑक्सीजन की व्यवस्था करा रहे हैं, इंजेक्शनों की व्यवस्था करा रहे हैं जी। और हर मरीज से इस हमारे नेता ज्योतिरादित्य सिंधिया महाराज हर व्यक्ति से बात कर रहे हैं। लोगों में उत्साह है और हम सबको ये विश्वास है कि मध्य प्रदेश से बहुत जल्दी हम कोरोना को भजाएंगे। आप सबका सहयोग है इसमें, मीडिया भाइयों का इतना बड़ा सहयोग रहा जी। मीडिया ने हमें सबको चेताता रहा और मीडिया भाई ने भी हमारा कंधे से कंधे मिला के हमारा साथ दिया, हमारा मनोबल बढ़ाया। और इसी की बदौलत है मीडिया भाइयों ने हमारा साथ दिया, कंधे से कंधा मिलके चले हैं। तो हम बहुत जल्दी अगले हफ्ते तक मध्य प्रदेश से कोरोना की विदाई हम जरूर कर देंगे जी। सुरेश जी, जिस तरीके से आपने कैबिनेट मीटिंग का यहाँ पर जिक्र किया, और क्या क्या बड़े फैसले यहाँ पर लिए गए हैं, क्योंकि वैज्ञानिकों की तरफ से तीसरी लहर का अंदेशा भी यहाँ पर जताया गया है। और दूसरी लहर में हमने देखा था कि देश भर में काफी ज्यादा नुकसान हुआ था। कहा जा रहा था कि पूरी तरह से तैयार हमारा देश नहीं था दूसरी लहर के लिए, जिसकी वजह से इतना ज्यादा नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ा। लेकिन अब जिस तरीके से स्थितियां काबू में आ रही हैं, तीसरी लहर को लेकर क्या कुछ तैयारियां की गई? उस पर भी हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने जब चर्चा की तो हमारे माननीय सम्माननीय मेरे बड़े भाई याद नहीं है नरोत्तम दादा ने बहुत अच्छा सुझाव दिया और उस सुझाव को तत्काल हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी ने उस पर सहमति दी और उसको फॉलो करने के लिए कहा और उन्हीं की ड्यूटी लगाई है कि आप इस पर विचार करें और इस पर एक्शन लें। हमेशा हमारे यहाँ कोरोना या तो बम्बई से आया या दिल्ली से आया जी, तो उस पर बहुत अच्छे से विस्तार से चर्चा हुई और इस पे हम तत्काल उस बोर्ड रोक पे हम व्यवस्था करने जा रहे हैं जी। और उनपे हम चेकिंग करेंगे, चाहे वो हवाई जहाज यात्रा हो, चाहे ट्रेन की यात्रा हो, चाहे बस की यात्रा हो, अब हम हर पॉइंट पे इस पे निगरानी रखेंगे और चेकिंग चालू रखेंगे जिससे बाहर से कोरोना और कई तरह की बीमारी हमारे प्रदेश को ना छू सके। इसके लिए सारी व्यवस्था हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी का ध्यान आकर्षित है और हमेशा चिंतित है और बहुत जल्दी हम लोग कंट्रोल करेंगे और जो तीसरी बीमारी है वो हमारे मध्य प्रदेश में हम कंट्रोल करेंगे कि ना आ पाए जी। सुरेश जी, वहीं वैक्सीनेशन की अगर हम बात करें तो लगातार देखने को मिल रहा था कि देश भर में वैक्सीनेशन का अभियान चलाया जा रहा है। मध्य प्रदेश में अगर हम बात करें तो क्या कुछ स्थिति है वैक्सीनेशन की? वैक्सीनेशन पर्याप्त मात्रा में यहां पर लोगों को लग पा रही है और आने वाले समय में क्या कुछ कदम उठाए जाएंगे, क्या रणनीति रहने वाली है वैक्सीनेशन को लेकर? देखो आदरणीय है, विरोधियों का काम है सरकार को बदनाम करना। आप टीवी पे देख रहे हो, पेपर में देख रहे हो, हमारे लोकप्रिय मुख्यमंत्री बार बार ये कह रहे हैं वो हम सब लोग गांव बूथ तक जा रहे हैं, लोगों को भड़काया जाता है, हम जाके उनको समझा रहे हैं। वैक्सीन के हमारे पास कोई कमी नहीं है, पहले हम रजिस्ट्रेशन कर रहे थे लेकिन हमारे पास पर्याप्त व्यवस्था में वैक्सीन है। हम वैक्सीन 18
की उम्र वाले बच्चों को और अलाउ कर दिया और जो भी आएगा तत्काल हम वैक्सीन लगाएंगे और गांव गांव हम मेरा जो विधानसभा क्षेत्र है वो टोटल आदिवासी क्षेत्र है, ग्रामीण क्षेत्र है, मेरे यहाँ शहरी क्षेत्र बिल्कुल है नहीं, ना के बराबर है। लेकिन हम जब मैं ग्रामीण में जाता हूँ हम लोगों को समझाते हैं, हमारी समूह की बहनें समझा रही हैं जी, हमारे संगठन के लोग समझा रहे हैं, हमारे जितने भी मंडल अध्यक्ष है, बूथ अध्यक्ष है, वो सारे लोग एक एक बूथ पर जा रहे हैं और लोगों को समझा रहे हैं, लोगों की समझ में भी आ रहा है और लोग हमारी बात से सहमत होके, और अब देखिए हॉस्पिटलों पर भीड़ लगने लगी वैक्सीन के लिए और बहुत जल्दी हम पूरे एक एक व्यक्ति को वैक्सीन लगाएंगे जिससे हम कोरोना मुक्त होंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि हम बहुत जल्दी ये पूर्ति करने को जा रहे हैं। जी सुरेश जी, ग्रामीण इलाकों की बात आपने की और जागरूकता की भी बात यहाँ पर आपने की है कि लोगों को जागरूक करने का काम भी यहाँ पर किया जा रहा है, कितने किस तरीके का अभियान चलाया जा रहा है लोगों को जागरूक करने के लिए, क्योंकि देखा गया था कि दूसरी लहर की जब शुरुआत हुई थी तो उस समय जागरूकता की कमी के चलते ही बहुत ज्यादा लापरवाहियां देखने को मिली और उसके चलते ही ये संक्रमण इतना ज्यादा फैला। अब धीरे धीरे जिस तरीके से संक्रमण पर काबू पाने में सफलता यहाँ पर हासिल हो रही है तो उसमें जागरूकता का भी एक अहम योगदान है, तो किस तरीके के अभियान चलाए गए? देखो आदमी है, जब पहला कोरोना का संक्रमण मध्य प्रदेश में आया था, पहला दौर आया था और दूसरा दौर आया तो वो तेजी से आया जी, तो हम सब लोगों ने तेजी से उसका संघर्ष किया और धीरे धीरे हमने उस पर कंट्रोल की। अब हमको पता है कि तीसरा दौर आने वाला है तो हम पहले ही सक्रिय हो गए हैं और तत्काल हमने बूथ लेवल पे एक एक गांव और एक एक घर जाके, हमारी बहना समूह की बहन है जी, हमारे आंगनवाड़ी बहन है, कार्यकर्ता बहन है, सहायिका बहन है और जितने समूह है हर समूह हमारा सक्रिय है, घर घर जाके टेस्टिंग कर रहे हैं और टेस्टिंग रोज हम बढ़ा रहे हैं और बहुत जल्दी हम पूरे एक एक व्यक्ति का टेस्टिंग करेंगे और हमें जो गांव में एक दो व्यक्ति मिलता है जी तत्काल हमारी बहनें सूचना देती हैं, हमारे SDM है, हमारे जिला पंचायत CEO है, हमारे SP, हमारे कलेक्टर और हमारे सारे कर्मचारी हमारे कंधे से कंधे मिला के हमारा साथ दे रहे हैं और बाकी मैं धन्यवाद देता हूँ हॉस्पिटल के सभी लोगों को, डॉक्टरों को, नर्स बहनों को और समस्त विभागों के अधिकारियों कर्मचारियों को मैं बार बार धन्यवाद देता हूँ कि सरकार का उन्होंने कंधे से कंधे मिला के साथ दिया, हम सब तो मिल के ये लड़ाई को जीते हैं और थोड़ा 1-2% हम और रहे हैं वो भी हम बहुत जल्दी काबू करेंगे, ऐसी कोई चिंता की बात हमारे बीच में नहीं है और बहुत जल्दी हम लोग कंट्रोल करेंगे, ऐसा मुझे पूर्ण विश्वास है। चलिए सुरेश जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम चर्चा के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो साफ तौर पर मध्य प्रदेश में अगर कोरोना की स्थिति की बात की जाए, मौजूदा स्थिति की बात की जाए तो काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल में यहाँ पर ये स्थिति नज़र आ रही है। लगातार संक्रमितों का जो आंकड़ा है उसमें भी कमी दर्ज की गई है, लगातार टेस्टिंग हो रही है, लोगों को वैक्सीन भी यहाँ पर लगाई जा रही है, यानी वैक्सीनेशन अभियान में भी तेज़ी यहाँ पर लाई जा रही है ताकि जो ये संक्रमण है उसे पूरी तरह से खत्म किया जा सके। तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, आप बने रहिए और देखते रहिए जनतंत्र TV। नमस्कार। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र TV and press the bell icon, never miss any update.